सो दोस्तों, आप जिस मोबाइल को यूज कर रहे हो उस मोबाइल के अंदर स्लो मोशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो दोस्तों, यदि आपके भी मोबाइल के अंदर स्लो मोशन का ऑप्शन नहीं है तो इस वीडियो को एंड तक देखिए। मैं आपको इस वीडियो के अंदर स्लो मोशन का एक इफेक्ट यानी कि इसका ऑप्शन लेके बताने वाला हूँ। तो बने रहे वीडियो के एंड तक। पसंद आता है तो लाइक कर लेना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज की वीडियो को स्टार्ट। दोस्तों, सबसे पहले अपने मोबाइल की स्क्रीन पर आ जाना। मैं आ चुका हूँ। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कैमरे में आ जाना है। सो दोस्तों, जैसे ही आप कैमरे के अंदर आओगे तो यहाँ पे आपको मैं ऑप्शन दिखा देता हूँ। आपका जो भी मोबाइल है उसके अंदर ये ऑप्शन आएंगे। अब आप यहाँ पे आप देख सकते हैं, आप मैं सेटिंग के अंदर भी चला जाता हूँ इसकी, तो ये इसके अंदर कोई भी स्लो मोशन का कोई भी ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, आप यहाँ पे कोई भी आप इसे देख सकते हैं, लेकिन इसके अंदर कोई भी स्लो मोशन का एक इफेक्ट नहीं है। लेकिन आपको कहाँ से लाना है ये मैं आपको बताऊँगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पे आप सब एक बार देख लेना, किसी में मिल जाए तो अच्छी बात है, नहीं मिले तो कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो एक बार मैं आपको वीडियो में भी चला बता देता हूँ, इसके अंदर कोई भी स्लो मोशन का एक इफेक्ट नहीं है, ऑप्शन नहीं है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको आ जाना है, एक वीडियो को बना लेना। जैसे मैं यहाँ पे बना देता हूँ, मैंने एक वीडियो शूट कर लिया है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने एक वीडियो शूट किया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब आपको क्या करना है, आपको स्लो मोशन आप इस वीडियो के अंदर मैं आपको बता देता हूँ नहीं कर सकते हो। ठीक है, बाकी यहाँ पे आप इसे स्लो मोशन में कर सकते हो, लेकिन स्लो मोशन का आप ऑप्शन नहीं ला सकते हो। तो दोस्तों, मुझे पता है आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर लेना, चैनल पर नया तो सब्सक्राइब कर लेना। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।